हो गया। सरकार अपने 40 सहयोगियों के साथ 14 नवंबर से प्रतिदिन 3 शो के माध्यम से नए नए खेलों एवं अनोखे जादू के करतब दिखाएंगे। दरभंगा वासी दुनिया के तमाम चुनिंदा आधुनिक करिश्मा एवं रंगीनियों के सैलाब से दीवाना बनेंगे। यह बातें जादूगर गोगिया जूनियर सरकार ने उमा सिनेमा में प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के क्रम में कही। कहा कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में भारतीय जादूगरों को बेहद पसंद किया जाता रहा है। जादू एक प्रकार का बौद्धिक व्यायाम है जो आज के तनाव भरे जीवन में बेहद आवश्यक है। 14 नवंबर में आया हूँ और एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना काल में आप बोलेंगे 2020 में जब हमारी शो चल रही थी भभुआ की मुंडेश्वरी सिनेमा हॉल में, तो 13 मार्च 2020 को ही हम सभी कलाकारों का अनुमति को रद्द कर दिया गया था और कोरोना काल में कलाकारों ने बहुत कुछ झेला। ये 2.5 बरस हम कलाकारों के लिए बड़ा ही कठिन समय रहा है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनजीओ या सामाजिक संस्था या बड़े अधिकारी हर रूप में लोगों को मदद किए, लेकिन अगर वंचित रह गया तो एक कलाकार वर्ग। और इस बार मैं मीडिया कर्मियों से, अपने भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उस एक शिक्षावर्धक कोरोना काल जो हम सबों के लिए आया, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपसे आग्रह करूंगा कि अपना भरपूर सहयोग जादूगर जूनियर गोगिया सरकार फाउंडेशन को दें और ये रजिस्टर्ड संस्था है और बहुत सारे चीज जो अभी हमारे जादूगर जूनियर गोगिया सरकार है वो आपको अवगत कराएंगे। कहाँ पर चला रहे हैं ये उमा सिनेमा दरभंगा में? अपना परिचय दीजिए। मैं सीनियर मैजिशियन। अच्छा सवाल है आपका और इतिहास गवाह हजारों हजार पहले। इस आयोजन के प्रस्तुतकर्ता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।